मैंने क्या बताया, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल से ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन के इस कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल के स्प्रिंग फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशन और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल थे फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, दो काफी है। तो ये आता है एग्जाम में, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इस तरह का। पहले वाले पॉइंट्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, पहला पॉइंट है इसका वर्क डन इक्वल टू जीरो इन राउंड ट्रिप, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो इन राउंड ट्रिप, ठीक है। वर्क डन डज नॉट या डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो। उसके बाद इसको फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते। एग्जाम्पल्स भी दोनों के लिख जाना। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सुना, उसके बाद फिर एक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और ये था वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और एक और तुमने सीखा था कि ऐसा कुछ थ्योरम करके तो नहीं था वो, ठीक है, लेकिन वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये दो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने के लिए आएगा, तो ये लिख करके आना। और एक ये वाला इंपॉर्टेंट था कि दैट वर्क डन बाय इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, हाँ माइनस एन था, बराबर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता है, जब तुम क्लास ट्वेल्थ में भी आओगे ना, जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, वहां पर भी ये बहुत काम आता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना तुम। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटी चैप्टर में भी आएगा, ये स्प्रिंग टॉपिक में भी आएगा, ये तुम्हारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखो, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या थी बातें, पहला इसमें था दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता था, और डिफरेंस क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट,
इसमें क्या था, जो इसी से ही निकाल करके हम लोगों ने क्या कहते हैं, मतलब एक्चुअली क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था ना और मोमेंटम कंजर्वेशन, उसी को दो चीजों को यूज करके हम लोगों ने निकाला था एक एक्सप्रेशन कि उसमें जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक टर्म निकाला था जिसका सिंबल ई था, दैट वाज वन, यहां पर जो ई था दैट वाज लेस देन वन। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ई क्या था यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये था वी टू माइनस डी वन बाय यू वन माइनस यू टू, ऐसे बॉडी जाती थी, ठीक है, यू वन था यू टू था, टकराई गई ऐसे, ये हो जाएगा वी टू, ये हो जाएगा वी वन, ठीक है, ऐसे टकराई बीच में, ठीक है। तो ये था ई की वैल्यू। और यहां पे हमने क्या देखा था कि अगर ई की वैल्यू जीरो होती है तो कोलिजन कैसा था, प्लास्टिक, ठीक है, ये नोट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ठीक है, वो लिखने के लिए आएगा, ठीक है, वो तुम लिख सकते हो। उसमें दोनों में क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है, एक में लॉस्ट नहीं होती है। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि डिफाइन करो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई करती है स्प्रिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। माइनस लगाते थे जब जब हम पढ़ते थे एस एच एम चैप्टर, तो वहां पे वो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए नेगेटिव साइन यूज करते थे, ये माइनस के एक्स हो जाएगा। तो दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इसको नोट कर लो। पूछा जाएगा स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, तो क्लियर से दिख रहा है वेरिएबल है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, इसको डिराइव करो। तो मान लो कि अगर हमने ऐसे स्प्रिंग लिया, और याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जब डिराइव करते हैं ना, ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना इस चीज को, क्योंकि ये जो चीज है ना ये बार बार रिपीट होती है, आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रिपीट होगी, पीछे ग्रेविटेशन में रिपीट हो चुकी हुई है, यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब निकाला जाता है ना, तो तुम्हारे पास दो मेथड होते हैं निकालने के, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जब तुम निकालते हो ना, तो वहां तुमको लिखना पड़ता है बॉडी इज मूव्ड स्लोली, क्लियर, एक ये बात वहां पे लिखनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, वो इंटरनल फोर्स के इक्वल हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन डिराइव करने का, वो जाता है इंटरनल फोर्स, क्योंकि क्या हो जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि हमने देखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड द बॉडी इज मूव स्लोली। किताबों में इससे भी डिराइव किया जाता है, किताबों में इससे भी डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो तुमको जो आसान लगेगा उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, तो हमने यहाँ पे मान लो हमने
अगर एक्सटर्नल फोर्स से किया है तो हमने फोर्स एफ अप्लाई किया, बॉडी को स्लोली मूव करवाते हैं, तो हमारा फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरनल फोर्स के, और इंटरनल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। तो अगर हमने मान लो बॉडी को जीरो से लेकर के अगर हम एक्स तक की लेकर के अगर आते हैं तो हमारा एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा। देखो अगर सीधी सी बात है, अगर तुमको किसी बॉडी को स्लोली मूव करवाना है तो स्प्रिंग फोर्स अगर स्प्रिंग इधर लगा रहा है तो मुझे अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बराबर टू द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि अगर तुम्हारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी आएगी, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आती है, हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। अभी वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी घुस रही है बीच में, हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए स्लोली मूव करवाते हैं, स्लोली मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा एफ इक्वल, तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि एकदम इनफाइनाइटली हल्का सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इंटरनल फोर्स के। अगर ठीक है एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा तब तो बॉडी मूव भी ना करे, तो हम ऐसा मान के जरा सा बड़ा है, इतना कम बड़ा है कि उससे उसकी वेलोसिटी के में कोई फर्क नहीं आता है, स्लोली मूव कर रही है, स्लोली का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना तुम लोग। अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया एफ इक्वल टू के एक्स, ठीक है, हमने बॉडी को जीरो से एक्स तक के लेकर के आते हैं तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, के एक्स जीरो प्लस के एक्स बाय टू, क्योंकि यहां पर जीरो लगा रहे थे फोर्स, जब एक्स पे लेके आएगा तो के एक्स हो जाएगा, तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा के एक्स बाय टू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा के एक्स बाय टू इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट टू एक्स, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड पे ये बात रहती है, अज्यूम रहती है एट मीन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है, अज्यूम एट मीन पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। याद रखना जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम कोई एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे हम मान करके चलते हैं कि वहां पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की जीरो है, मान लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको मानने के बाद हम दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एक मेथड है इसका, ठीक है। और दूसरा मेथड याद करो, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स, इंटेग्रेट कर दो जीरो से लेकर के एक्स, ये हाफ के एक्स पर आता था, ये मेथड फॉलो करो, ये फॉलो करो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना दिस मेथड इज ऑलवेज एप्लीकेबल, लेकिन ये वाला मेथड हम तभी यूज करते हैं जब क्या कहते हैं कोई वेरिएबल, जैसे कि मान लो फोर्स वैरी कर रहा है तो x के 1 पावर पे वैरी कर रहा है, अगर यहाँ फोर्स x के 2 पावर पे वैरी करता ना फिर ये वाला मेथड सुटेबल नहीं होता, फिर ये वाला मेथड सुटेबल होता, इंटीग्रेशन हर केस में एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन प्लस करके बाय 2 करने वाला तभी एप्लीकेबल है जब प्रोपोर्शनल टू x होता है, ठीक है, सबको इतना कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसको सबको नोट कर दो। अच्छा आगे देखो, स्प्रिंग फोर्स हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, हाफ के एक्स पर हो जाता है, दिख रहा ग्राफ पैराबोला बनेगा ऐसे जाएगा, हाफ के एक्स पर for a spring draw graph between potential energy and the change in length,
आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये पूछा जाएगा ग्रेविटी चैप्टर से, ग्रेविटी चैप्टर से ना दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो था वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी के चार केस थे, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, रोटेशन की वजह से और एक शेप की वजह से। तो मेन उस पे क्या होता है, हाइट और डेप्थ अधिकतर आते हैं, बाकी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो याद करो जैसे हम लोग ऊपर जाते थे, ठीक है, मैं शॉर्ट पे डिस्कस कर रहा हूं, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी वहां पे, जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हाइट एच थी, रेडियस आर था। तो जी डैश इक्वल टू जी एम को हम क्या लिखते थे, जी कैपिटल आर स्क्वायर, याद करो जी एम बाय आर स्क्वायर था ना स्मॉल जी, ठीक है, तो बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। जी डैश क्या हो जाएगा हमारा, जी ये हमारा हो जाएगा, इसको नीचे भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाय आर प्लस एच का बाय आर का स्क्वायर जी। ये हो जाएगा ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वन बाय एच बाय आर, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा वन प्लस एच बाय आर का पावर माइनस टू, ठीक है। यूजिंग बायनोमियल फॉर एच इज मच मच लेस देन आर, जी डैश क्या था, जी वन माइनस टू एच बाय आर, ठीक है, इसको नोट कर दो। बाकी स्टेटमेंट क्या, देखो तुम लोग का ये एक शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है, स्टेटमेंट तुम लोग खुद से बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, बाकी सब पता ही सबको। उसके बाद आता है इसको ये सब कहोगे नोट, नेक्स्ट आएगा वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, देखो अगर मान लो अर्थ इस तरह से, तो अगर हम गहराई में जाते हैं अगर अंदर, डेप्थ डी, मास ऑफ द अर्थ कौन लिख बाकी एम है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, ये सेंटर है, पूरा कैपिटल आर होगा, तो ये आर माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, या डी क्या हो गया, डेप्थ हो गया। तो ये जो ग्रेविटी जो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस होगी ना यहाँ पे, ये मास एम डैश की वजह से होती है। पहले चीज वहां पे लिख देना कि ये जो शेल होता है ना यहाँ पे, जो शेल होता है ये कोई ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं डालता है। तो लिख देता हूं मैं, पहला ग्रेविटी ड्यू टू शेल इज जीरो, तो ग्रेविटी खाली किसकी वजह से होती है, कोर पार्ट की वजह से होती है। तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम डैश बाय आर माइनस डी का स्क्वायर। व्हाट इज एम डैश हियर, एम डैश इज अ कोर पार्ट, ठीक है, मास ऑफ द कोर पार्ट, जी आर माइनस डी का स्क्वायर। एम डैश को मैं क्या ले सकता हूं,
डेंसिटी दैट इज मास ऑफ द अर्थ एम बाय वॉल्यूम 4/3 πr³, ये डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट 4/3 πr - d³। ठीक है, तो जी डैश हमको मिल जाएगा इसे। ये निकाल ले जाओगे ना तो यहां से देख लो ये कट जाएगा ना, 4/3 πr कट जाएगा। तो जी एम को मैं क्या ले सकता हूँ, स्मॉल जी आर स्क्वायर, जी एम को लेकर स्मॉल जी आर स्क्वायर, और यहां पे बचेगा आर क्यूब, यहां बचेगा आर माइनस टी, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, जी डैश हो जाएगा यहाँ पे जी आर माइनस डी अपन आर, दट इज 1 - d/r। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटी। ये हर केस के लिए एप्लीकेबल, इसको फटाफट नोट कर दो। और अपने से ना घर पे क्या करना, जो रोटेशन वाला ना उसको एक बार देख जाना, और एक पोटेंशियल ड्यू टू मास का देख जाना एक बार। ठीक है, ये दो चीज तुम लोग अच्छे से देख जाना और इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते। ये भी हो गया, उसके बाद देखो कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे जो आते हैं इसके ऊपर, ऐसे देखो फ्रिक्शन के ऊपर कभी ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को आ जाएगा करने के लिए, तो तुम लोग करने आना चाहिए। ऐसे आप एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसका मास m है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो म्यू है, ये लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन कितना, यहाँ पे l है, बताओ फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ये, एंगल थीटा है, बताओ व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड, यहां से ये स्टार्ट करता है, ये लेंथ l है, यहां पहुंचने में इसको समय कितना लग जाएगा, एक बार खुद से ट्राई कर लो, एक बार जो तो तुमको नॉलेज जो दिमाग में पता है उसको यूज करो एक बार। देखो इसमें क्या था कि जो फ्रिक्शन होता ना यहाँ पे वो जाता था जस्ट लाइट करने पे F इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पर एक्सलेशन क्या हो जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा, तो नेट एक्सलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
काट देता हूँ, नेट एक्सलेशन यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ माइनस म्यू जी कॉस थीटा बाय एम जी साइन थीटा। तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू मूव डाउन, एस हो जाएगा एल डिस्टेंस, यू टी, यू जीरो है, हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू नीच मूव एट द बॉटम, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो फ्रिक्शन से रिलेटेड होते हैं ना, वैसे आते हैं, इसको नोट कर दो। इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। तो तुमको इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत वेक्टर्स देख लो। वेक्टर्स पता है, वेक्टर्स क्या थे? वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास डायरेक्शन होता है, और जो ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसका जो रिजल्टेंट होता है ना, रूट ओवर आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, इसके रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले के ऊपर हम लोग को कभी कभी सवाल आते हैं एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए, डेरिवेशन भी आते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो तुमको आना चाहिए। वेक्टर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है, टाइप्स वेक्टर के थोड़ा पढ़ जाना, पोजीशन वेक्टर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर इसमें तुमने थोड़ा सा सीखा था ट्रायंगल लॉ, ठीक है, उसके बाद तुमने सीखा था इसमें पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, वो सब एक बार अच्छे से देख जाना कि जैसे कैसे था ट्रायंगल लॉ, ऐसा था कि हम ऐसे गए फिर हम ऐसे गए तो ये रिजल्टेंट ऐसा था, फिर पैरेललोग्राम था कि ऐसा एक फोर्स अप्लाई किया, ऐसा एक फोर्स अप्लाई किया तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा हो जाएगा, इस तरह से रिजल्टेंट हो जाएगा पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और ये एफ वेक्टर है, हम लिखते थे F vector equals to P vector plus Q vector. अगर दो vectors represent होते two sides of a parallelogram से, तो उसका जो resultant होता है ना, that is actually the diagonal which passes through the point of intersection of the two vectors. तो अगर ये दो vector है, तो इसका magnitude और direction, magnitude कैसे दिखाया जाएगा, इस diagonal की length से, और direction कैसे दिखाया जाएगा, इस diagonal के direction से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इतना तुम लोग जितना मैंने पढ़ाया ना, उसको अच्छे से घर पे तुम लोग इतना पढ़ जाना, फिर कल जो है ना हम लोग एक और 30-40 मिनट आधे पौने घंटे की क्लास लूंगा मैं, और कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बोर्ड का एक बार के लिए खत्म हो जाएगा ना, फिर हम लोग शांति से अपना जो जैसा जहाँ पे जो हम जहाँ पे छोड़े थे हम लोग, उसके वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, और अपना न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो भी करते थे वो सब वैसे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, इतना घर पर अच्छे से पढ़ जाना। Bye. Take care.